इतना डिफिकल्ट होगा मैंने नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैंने नहीं सोचा था कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन का रिजल्ट फाइंड आउट करने में मुझे इतनी तकलीफ होगी। इतने सारे बेस्ट ड्राइंग्स हैं और इसमें से बेस्ट पता करना है। डू यू थिंक इट्स वेरी इजी? नो इट्स नॉट रियली। जस्ट इमेजिन कि एक पेरेंट्स ने बनाया है, ये एक पेरेंट्स ने बनाया है, ये हमारे बच्चों ने बनाया है। यू नो वेरी वेल दैट वी डू नॉट हैव एनी ड्राइंग क्लासेस राइट नाउ। अभी हमारे पास ड्राइंग क्लासेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बेस्ट ड्राइंग। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट रिजल्ट। इसीलिए डायनास क्रिएटिव स्कूल हैज कम अप विद एन आइडिया। व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज टू टेक द पेरेंट्स हेल्प। यस, इस ड्राइंग में से कौन से बेस्ट हैं और विनर्स किसको होने चाहिए, इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि प्राइमरी के बच्चों ने इन ड्राइंग्स को किया है, इसीलिए वोटिंग का राइट प्री प्राइमरी के पेरेंट्स को मिलेगा। एग्जैक्टली, प्री प्राइमरी के पेरेंट्स, आप सभी से मेरी बहुत खास और इम्पॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नया सेशन आने वाला है और नया सेशन कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी उम्मीद और कई सारे चैलेंजेस हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे खुद पर, अपनी टीम पर, कुछ बनाने वाले पर यकीन है कि इन तमाम चैलेंजेस को हम पार करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आप सबके मशवरे की, आप सबके व्यू पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करना चाहती है इस डेट में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग डेट में आप आइए और आकर इन बच्चों को वोट भी दीजिए कि इनमें से कौन बेस्ट है, और साथ में हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर वन, प्री प्राइमरी के बच्चे जो इस साल हमारे स्कूल में एडमिशन हुए, वो इतने स्मार्ट हैं, इतने क्रिएटिव हैं माशाल्लाह, और इतने अच्छे फैमिली से आते हैं कि इनको हम जो रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो टीचिंग करा रहे हैं, हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वी फील इनको और ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए हमने सोचा है कैसा हो अगर हम जो इनकी करंट स्कूल टाइमिंग है उसको 2 घंटा और बढ़ा दें। इसके लिए मुझे आपसे बात करनी है। अगर 2 घंटा बढ़ाएंगे तो इन 2 घंटे में बच्चों को कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी। पहला, इन बच्चों को लंच की ज़रूरत होगी, तो लंच भी हम आपको टेस्ट करवाएंगे मीटिंग के डेट में, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये खाना आपके बच्चे के लिए बेस्ट है कि नहीं। दूसरा, इन 2 घंटे में हम बच्चों को कैसे उनके टाइम को यूटिलाइज करेंगे, हम बुक के अलावा इन 2 घंटे में क्या पढ़ाएंगे। याद रखिए, इन 2 घंटे में बच्चों को बुक्स एकदम भी नहीं हम यूज़ करेंगे। बुक्स के अलावा हम प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे, वर्कशीट यूज़ करेंगे, म्यूजिक एंड ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, आपको समझाना ज़रूरी है, और आपकी राय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं तमाम प्री प्राइमरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे की डेट में मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें और हमारे जो प्लान है उसको, अपनी राय को ऐड करके बेस्ट बनाइए। मुझे उम्मीद है आप सब से उस दिन मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।